सिक्योरिटी कंपनी में सुरक्षा कर्मी के पद पर तैनात शख्स ने अपनी पत्नी को मारी गोलियां। दरअसल सोनीपत के ताजपुर गांव में पत्नी के साथ हुए झगड़े में पति ने लाइसेंसी पिस्टल से अपनी पत्नी को 3 गोलियां मारी और उसे मौत की नींद सुला दिया। मृतका के भाई ने बताया कि उसका जीजा देवेंद्र झगड़ालू प्रवृत्ति का व्यक्ति है। वो उसकी बहन के साथ अक्सर झगड़ा करता था और देर रात हुई कहासुनी के बाद उसने रीना को गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया। आप खुद ही सुनिए उसने क्या क्या बताया। सर, हमें ना ये इसकी सूचना ना रात ही मिली थी। उस टाइम पे वहाँ आला प्रशासन था, SP साहब आई हुई थी। क्या सूचना मिली थी? कि हमारे जो गुड़िया है उसको गोली मार दी मेहमान ने। क्या नाम था गुड़िया का? रीना नाम था उसका, और जो गोली मारने वाले का नाम था देविंदर था। देविंदर उसका पति था? हाँ जी, देविंदर उसका पति था। क्या कारण है, क्यों गोली मारी, कुछ पता चला? बच्चे, इससे कोई ऐसा कुछ क्लियर नहीं आ रहा है कि बाकी ये सुनने में आता है कि छोटी कहा सुनी तो हो जाती थी, जैसे कभी हमसे भी बताती थी। बाकी ऐसा तो कुछ था नहीं कि इतना मामला करना कि 3 गोली मार देना। कितनी 3 गोली मारी है? हाँ, 3 गोली मारी है। कितने दिन पहले शादी हुई थी? लगभग 10 से 11 साल हो गए हैं शादी को। हाँ जी। फिर आपने पुलिस को कंप्लेंट दिया? हाँ, रात ही पुलिस को हमने कंप्लेंट कर दी थी। हमारे पहुँचने से पहले वहाँ पुलिस पहुँच चुकी थी। वहीं घटना की सूचना मिलने पर ASP फोर्ड मुरथल थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और मृतिका के भाई के बयान के आधार पर आरोपी देवेंद्र के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। मिली थी बजरिया फोन है चौकी में, वही ताजपुर गांव में देवेंद्र नाम के आदमी ने अपनी वाइफ को गोली मार दी, मौत हो गई। कितनी गोली मारी गई है? हमारे हिसाब से तो 2 या 3 गोली लग रही है और बाद पोस्टमार्टम पता लगेगा। परिजनों ने क्या कंप्लेंट दी है? यही कंप्लेंट दी है भाई, इनका आपका झगड़ालू किस्म का आदमी है ये, इसके मृतिका के भाई ने कंप्लेंट दी है परवीन ने, तो ये मारा जीजा जो झगड़ालू किस्म का था, आपस में लड़ाई करते थे, इसी उसमें कल उसने अपने नेसेसरी वाल मत है और उसको मेरी बहन को गोली मार दी, उसकी मौत हो गई। आरोपी पति फरार है अभी? अब आरोपी फरार है। मामला दर्ज कर लिया? मामला दर्ज हो गया और 30 में जो बात सामने आएगी उसका पता लगेगा। आज फिलहाल देखना होगा पुलिस जांच के दौरान क्या निकल कर सामने आएगा। आखिर क्यों इस बेरहम पति ने अपनी ही पत्नी की जान ले ली? इनके घर में 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं जो अब मामा के हवाले हैं, क्योंकि माँ तो मौत की नींद सो गई और पिता फरार है। सत्य खबर के लिए सोनीपत से पवन राठी की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।